पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज के जितने भी जलसे हो रहे हैं, पंजाब हुकूमत इन्हें प्रोटोकॉल दे रही है। जलसों में निगरा हुकूमत को भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिली हुई है। हुकूमत में बैठे लोगों का ख्याल है कि किसी भी तरह से पीटीआई को कमजोर करना है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अक्टूबर में इंतखाबात हुए तो हुए, वरना उनका ये भी ख्याल है कि इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे ले जाना है। कप्तान बोले, 90 दिन गुजरने के बाद भी इलेक्शन न कराना आईन की खिलाफ वर्जी है। जब ये लोग अदालती फैसले पर भी अमल नहीं करें तो हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन क्यों कराएगी? अक्टूबर में भी पैसे का बहाना बन सकता है, हालात खराब हो सकते हैं, इस तरह बहाने तो खत्म नहीं होने। इसीलिए पीटीआई ने फैसला कर लिया है कि हम इलेक्शन को 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोलियूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।